क्या बात है भाई, क्या बात है, 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 क्या बात है। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय हिंद साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण विषय हम लोग आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, एक ऐसा वाकया जब साहब काशीराम जी ने मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया था। तो इसके पीछे जुड़े राज को हम जानेंगे, विचार लेंगे। मैं स्वागत करता हूँ मास्टर सुरेश चंद्रा जी का, सम्यक इंडिया टीवी में स्वागत है आपका। जय भीम। जय भीम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जब मानवर कांशीराम साहब ने 64 में नौकरी छोड़ दी, उसके बाद वो अध्ययन करते रहे, उन्होंने अपने अध्ययन में ये भी महसूस किया, एहसास किया कि जो मीडिया है वो बिल्कुल एक काम कर रहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तो तुम्हारा है। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बात को समझ लिया, जान लिया, और जब समाज को इकट्ठा करने में वो लगे थे, बाम सेव के माध्यम से, DS4 के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, तो उन्होंने समाज को, अपने अनुयायियों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाया कि ये जो मीडिया के लोग हैं ये आपकी बात कभी कहेंगे नहीं, आपकी जायज़ बात को भी नहीं कहेंगे, समाज तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यदि आपकी जायज़ बात को, सीधी सच्ची बात को यदि समाज तक ले जाते हैं तो समाज इकट्ठ में होगा, और मीडिया का काम तो समाज को तोड़ने का बन रहा है। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने समाज को, कार्यकर्ताओं को, अनुयायियों को ये समझाया, समर्थकों को समझाया कि मीडिया, मनी और माफिया, यदि तुमने खुद अपने को और समाज को यदि बचा लिया तब कहीं आप लोग समाज का कल्याण कर पाएंगे, और जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने का जो सर्वोत्तम रास्ता है वो यही है कि मनी, मीडिया और माफिया से बच करके आप लोग समाज को ले जाओ, तो आसान तरीके से और जल्दी आप लोग शासन सत्ता तक पहुंच पाएंगे। और जब ये काम चल रहा था, जब मान्यवर कांशीराम साहब, और मैं तो यहाँ तक कह देना चाहता हूँ कि जब करोल बाग का, जहाँ से हमारा मिशन मूवमेंट चलता था 5323 हरदान सिंह रोड करोल बाग से, जब वहाँ 1989 के लोकसभा चुनाव से और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से और पंजाब के चुनाव से जब ये बात सामने आ गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मीडिया वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो छोटे से कार्यालय से, छोटे से कमरे से इतना बड़ा विस्फोट राजनीतिक क्षेत्र में, इतना बड़ा धमाका सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में, तो तब मीडिया वाले लोग मान्यवर कांशीराम साहब के पीछे लगे और वो उनका साक्षात्कार चाहते थे, इंटरव्यू चाहते थे। लेकिन चूंकि मान्यवर कांशीराम साहब समझ गए थे, पहले ही जान गए थे कि मीडिया मुद्रा की रखेल बन चुकी है इस देश में, जो मीडिया का मुख्य काम है उसे वो नहीं निर्वाह कर रही है, और जो मुद्रा वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति हैं, उन लोगों के चुंगल में फंस चुका है पूरा मीडिया। तो जब साहब इतना अध्ययन अपना कर चुके और अनुभव कर चुके, उसी आधार पर वो स्वयं भी हम लोगों को भी, समर्थकों को भी, कार्यकर्ताओं को भी, अनुयायियों को भी समझाते थे कि मीडिया वालों से दूर रहना, वो आपकी बात नहीं कहेंगे, आपको बदनाम तो करेंगे, और वो स्वयं भी बचे रहे। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आया तो वो हमारे रिजल्ट से प्रभावित हुआ मीडिया, और वो आकर के साहब से बात करना चाहता था, लेकिन साहब ने कहा भाई बाद में देख लूँगा मैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा काम बहुत पड़ा है,
और ये मनवादी लोग करने नहीं दे रहे हैं मुझे अपना काम पूरा। तो साहब ने उनसे अपना बचाव चाहा इस तरह का शब्द इस्तेमाल करके, लेकिन वो लोग नहीं माने। और उनमें से एक आशुतोष नाम का जो पत्रकार था वो जबरदस्ती अंदर घुस गया और साहब की तरफ को, जैसे अब मेरे हाथ में ये है माइक है, ऐसे माइक आगे को बढ़ाया। तो साहब ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ऐसा थप्पड़ मारा कि माइक उसका एक तरफ और उसके मुंह पे निशान। मुकदमा कायम किया मीडिया वालों ने किया, लेकिन क्या हुआ उसमें, जब आशुतोष ये महसूस कर गए कि इतने बड़े पावन पवित्र शख्सियत का अगर थप्पड़ भी मिल गया तो वो भी तो आशीर्वाद मिला। और आज वो अपने को महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, नहीं तो पिटा हुआ आदमी कहीं चर्चा नहीं करता है कि मेरे किसी ने थप्पड़ मारा है। इससे ही स्पष्ट होता है कि आज वो बार बार जब साहब का नाम लेकर के कि भाई मुझे मान्यवर कांशीराम साहब ने थप्पड़ मारा, तो इसका मतलब वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इन कारणों से साहब को थप्पड़ मारना पड़ा कि वो लोग समझ नहीं पाए। बाद में मुकदमा हुआ, उन्होंने वापस लिया और साहब का आज तक कहीं कुछ बाक वाला नहीं हुआ। और जहाँ तक ये बात हम कर रहे हैं मीडिया का रोल, अगर मीडिया इस देश में दो और दो चार कहना शुरू कर दे, अब तक नहीं कहा कोई बात नहीं, अगर वो आज से भी शुरू कर दे 11-12 नवंबर 2019 के शाम 4-5 बजे के आसपास से भी वो अगर सच्ची बात कहना शुरू कर दे, दो और दो चार होते ये बात कहना शुरू कर दे, तो मनवादियों की सरकार बगैर गिराए स्वयं ध्वस्त हो जाएंगी और जो जहां ये बना नहीं पा रहे वहां पर भी बना नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भोले भाले समाज के विद्वान लोगों, आज आप देखो आज झूठों का राज चल रहा है, सरासर झूठ फरे भी है। और यदि आप लोग मेरी जो भी बात सुन रहे हो, अगर वो बाबा साहेब अंबेडकर जी से अगर थोड़े से भी प्रभावित हैं, थोड़ा सा भी उनको मान सम्मान देना चाहते हैं, तो उनकी जिंदगी में जाइएगा। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, आपकी जो वोट का अधिकार दिया वो, आपको शिक्षा का अधिकार दिया वो, आपको रिजर्वेशन मिला वो, नहीं तो मेरे भोले वाले समाज के लोगों, आज आप कह रहे हो दोहरी शिक्षा नीति, लेकिन इन लोगों ने तो 1935 में ही दून पब्लिक स्कूल देहरादून की स्थापना कर दी थी। क्यों कर दी थी? वो इसलिए कर दी थी कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको शिक्षा का अधिकार दिला दिया, रिजर्वेशन दे करके नौकरी का अधिकार दिला दिया, और आज जब हम नौकरी करते हैं बाबा साहेब की मेहनत के आधार पर, तो आज जब नौकरी लगी तो वेतन आने लगा तो नोट आने लगे तो अच्छे कपड़ा लत्ता तेल साबुन आने लगे, और जब उनका इस्तेमाल होने लगा हमारे परिवारों में, तो मैं जैसे 67 साल का आदमी आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, जब मेरे चेहरे पर चमक है, तो जब मेरे बाप दादों के चेहरे की चमक इनको पसंद नहीं आई, ब्रह्मिकल सिस्टम के लोगों को, मनवादी मानसिकता के लोगों को, तो आज हमारे चेहरे की चमक कहाँ पसंद आएगी। इसलिए मेरे भोले भाले विद्वान साथियों, आप लोग माननीय कांशीराम साहब की टेक्नोलॉजी में तो जाइएगा कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से, आज भी देखिएगा साहब के नाम पर लोग फिदा हैं, साहब की टेक्नोलॉजी पर जबरदस्ती लोग काम मांगते हैं, काम दीजिएगा जो जो समझ गए हैं। और हाँ, यदि मान लीजिए किसी साथी का कहीं कुछ अपमान भी हो गया है, वो भी आदमी मुखालपत नहीं करता, मेरे माननीय कांशीराम साहब की मुखालपत नहीं करता, किसी अन्य नेता की मुखालपत कर सकते हैं, लेकिन मेरे माननीय कांशीराम साहब की मुखालपत नहीं करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय कांशीराम साहब के आचरण पर जाइएगा, उनके विवेक और विज्ञान पर जाइएगा, उनके किए हुए कामों पर जाइएगा, क्योंकि बाबा साहेब एक काम नहीं कर पाए थे, मौत उनको ले गई थी, वोट का अधिकार तो दे गए थे वोट है, तो बस बाबा साहेब के दिए हुए वोट के अधिकार को माननीय कांशीराम साहब की टेक्नोलॉजी के आधार पर, वोट की कीमत को जानते हुए
उसका सदुपयोग करना शुरू कर दीजिएगा। मानवर कांशीराम साहब का सिद्धांत, उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छे विचार आपने भी हमारे दर्शकों के लिए रखे। और यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगती है, अच्छी लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इसे पहुँचाइए, शेयर कीजिए, अपने अमूल्य कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम।